कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों का बीएसपी ने समर्थन किया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से कहा गया है कि मोदी सरकार को तुरंत किसानों की मांग माननी चाहिए। बीएसपी प्रवक्ता सुधेंद्र भदौरिया ने एक वीडियो जारी करते हुए मोदी सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। देखिए, 6 दिन बीत चुके हैं और पूरे देश के किसान दिल्ली में एकत्रित हैं। किसान कर्ज में डूबा हुआ है, किसान अपनी फसल को लेकर दर दर भटक रहा है और एक परेशानी की जिंदगी जी रहा है। पिछले 6 रोजों में हमने ये देखा है, दिल्ली के अंदर सरकार एकदम टस से मस नहीं हुई है और आज ये बात जरूर हो रही है। मैं ये चाहता हूं और हमारी पार्टी की लीडर सुश्री बहन मायावती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने कहा है कि किसानों की बात ये सरकार सुने। ऐसे कई प्रावधान हैं उसके अंदर जो किसानों के हित में नहीं है, चाहे वो एमएसपी से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य और चीजों से रिलेटेड हो। उन सारी मांगों को सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानना चाहिए और मैं समझता हूं कि 6 दिन बीतने के बाद अब जो किसान अपना धैर्य खो रहे हैं, उनसे समयबद्ध तरीके से बात करके इस समस्या का निपटारा ढूंढ लेना चाहिए और उनकी मांग मान लेनी चाहिए। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मोदी सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करने की नसीहत दे चुकी हैं। 29 नवंबर को उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानूनों को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं। इसके मद्देनजर किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो बेहतर है। आपको बता दें कि आज शाम मोदी सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलने के लिए बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।